बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस का चैप्टर 6 दहन और ज्वाला। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। पहला प्रश्न आपके लिए, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। उत्तर में आप लिख सकते हैं, दहन के लिए ईंधन वायु ऊष्मा आवश्यक हैं जिसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति आवश्यक है। तो यह आपका पहला प्रश्न और इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न आपके लिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का, और यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या लिखना है हम आपको बताएंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पर दूसरे वाला, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, आप इंतज़ार करें। और गै वाला है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके, और यहाँ पर आपको फिर लिखना है, तक गर्म करना आवश्यक है। और घे वाला है बच्चों, तेल द्वारा उत्पन्न आग को द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है उत्तर में क्या लिखेंगे आप, पहले वाले में लिखेंगे आप, जहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है खाली स्थान पर पहले में लिखेंगे प्रदूषण, दूसरे में LPG और तीसरे में ज्वलन ताप और चौथे में पानी। आई बात समझ में, इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो आप समझाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से, उत्तर लिखेंगे, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG ले रही है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि CNG इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ती, अतः CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, ये आपका तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न, यहाँ पर आपके लिए, ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर आप एक टेबल बना लें और दोनों का जो है अलग अलग लिखेंगे, यहाँ पर टेबल में दोनों की तुलना करेंगे, यहाँ लिखेंगे LPG और यहाँ पर लकड़ी। LPG में पहला लिखेंगे, इसका ऊष्मीय मान बहुत ऊंचा होता है। लकड़ी वाले में लिखेंगे, इसका ऊष्मीय मान LPG की तुलना में कम होता है। दूसरा लिखेंगे, LPG का ज्वलनांक कम होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती। और लकड़ी वाले में लिखेंगे, लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। अगला लिखेंगे तीसरा पॉइंट, यह बिना धुआं किए जलती है जिससे प्रदूषण नहीं होता है। और लकड़ी वाले में लिखेंगे, यह धुएं के साथ जलती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती। और जबकि लकड़ी वाले में लिखेंगे, लकड़ी के जलने पर CO2 तथा कम वायु में CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। पाँचवा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है। और लकड़ी वाले में लिखेंगे, ठोस और भारी होने के कारण इसे भंडारित नहीं किया जा सकता। छठा पॉइंट लिखेंगे, इसको जलाने पर अवशेष नहीं बचता। और इसमें लिखेंगे लकड़ी वाले में, इसको जलाने पर राख जैसे अवशेष बचते हैं। तो इस प्रकार से आप टेबल बनाकर अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, अच्छे से लिखें और इसे याद भी करें। और इसके बाद पांचवा प्रश्न है बच्चों आपका, यहाँ पर कारण बताइए। और पहला यहाँ पर कह वाला, विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इसका आपने कारण बताना है। दूसरा है खैवाला, LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्या कारण है बताना है आपको। और गह है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, तो इसका क्या कारण है। चलिए इन तीनों के उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप देखें कह का उत्तर, विद्युत उपकरणों से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत का अच्छा सुचालक है। और जब पानी किसी नग्न लाइट तार पर गिराया जाएगा तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह है पहले का उत्तर कह का, और दूसरे का लिखेंगे आप, कह का कारण लिखेंगे, LPG लकड़ी से अच्छा ईंधन है, क्योंकि LPG का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है, ऊष्मीय मान अधिक होता है, और यह लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है। तो इस प्रकार से आप खै का कारण लिख सकते हैं। अगला है बच्चों गै का कारण, यहाँ पर
हम जानते हैं कि एल्युमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। एल्युमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्युमिनियम कागज से ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं गय का कारण। आपने देखा नहीं, यहाँ पर ये था आपका पांचवा प्रश्न और यहाँ पर आपने कारण बताने थे, कह कह गए। यहाँ पर तीन प्रश्न थे आपके लिए और उनका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है बच्चों छठा प्रश्न आपके लिए, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक चित्र आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इस चित्र को बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मोमबत्ती की ज्वाला है, ये मोमबत्ती है बच्चों, ध्यान दें। और सबसे गर्म भाग कम गर्म, सबसे कम गर्म, और ये मोमबत्ती है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला, और बिना जली मोमबत्ती का सबसे निचला भाग या आंतरिक भाग आप कह सकते हैं काला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चित्र को अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर अच्छे से बनाएं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर सातवां प्रश्न आपके लिए, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर में लिखेंगे, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे आप अच्छे से याद करें बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला है बच्चों आठवां प्रश्न आपके लिए, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। आठवां प्रश्न है आपका। उत्तर में आप लिखेंगे, पेट्रोल विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, अतः आग नियंत्रित हो जाती है। CO2 का एक अन्य लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। सिलेंडरों में छोड़े जाने वाले CO2 बहुत तेज़ी से फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर, ठीक इसी प्रकार से आप लिखें और इसे याद करें। अगला है बच्चों नौवां प्रश्न आपके लिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। उत्तर में आप लिखेंगे, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है और पत्तियों के ताप को उनके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ पाती जब तक सारा जल वाष्पित न हो जाए और उनका ताप उनके ज्वलनांक तक न पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण ये जल्दी आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि इनको जलाने के लिए दी गई ऊष्मा इनके ताप को शीघ्र ही इनके ज्वलन ताप तक पहुँचा देती है और ये जलना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका नौवां प्रश्न और उसका उत्तर। अगला है बच्चों दसवां प्रश्न, यहाँ पर सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला की नीली लौ वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है और सोना एवं चांदी जैसी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में, ये दसवां प्रश्न है आपका और इसका उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिखें, याद भी करें बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला प्रश्न है बच्चों ग्यारहवां, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का माप 180,000 था, ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे अपना। पहले लिखेंगे ईंधन की मात्रा 4.5 किलोग्राम यानी 4.5 kg, और उत्पन्न ऊष्मा लिखेंगे 180,000 किलो जूल, और ईंधन का ऊष्मीय मान लिखेंगे आप इस प्रकार से आप निकालेंगे 180,000 अपॉन 4.5 और तब हो जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर बना सकते हैं, यहाँ पर ठीक इसी प्रकार लिखें और इसे याद भी करें, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों।
इसके बाद अगला है यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके लिए, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। और उत्तर में लिखेंगे नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम है जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। आई बात समझ में? ये 12वां प्रश्न है बच्चों, और इसे आप इस प्रकार से लिखें, इसे याद करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 13वां प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा, किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। उत्तर लिखेंगे रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि उसने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है, जबकि आबिदा ने इसे ज्वाला के पीले भाग के पास रखा जो नीली ज्वाला से कम गर्म होती है। अतः रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे, इन्हें आप अच्छे से याद करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहे अपने विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ।